आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आइए रुक करते हैं कुछ खास खबरों की तरफ। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 से पहले सांसद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान जेल से बाहर आ गए हैं। इससे पहले रामपुर में भी कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। अब्दुल्ला आजम खान करीब 23 महीने बाद सीतापुर जेल से रिहा होकर रामपुर पहुंचे हैं। बता दें कि उनके खिलाफ 43 मुकदमे दर्ज थे जिनमें उन्हें जमानत मिल गई है। रिहाई के बाद रामपुर पहुंचे अब्दुल्ला आजम खान ने जेल प्रशासन और सरकार पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि जेल प्रशासन आतंकियों से भी बुरा सलूक करता है। वहीं पिता आजम खान के रिहा होने नहीं होने को लेकर उन्होंने कहा कि मेरे वालिद के खिलाफ फर्जी केस दर्ज है। आज भी एक बेगुनाह बीमार आदमी सलाखों के पीछे है। आज उनके मामले में रुकावट डाली जा रही है लेकिन उन्हें उम्मीद है कि अदालत परिवार को इंसाफ देगी। उन्होंने कहा कि 10 मार्च को उत्पीड़क का तख्ता पलट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव को लेकर सभी पार्टियां लगातार अपने दावेदारों को टिकट देती नजर आ रही हैं। वहीं दूसरी अलीगढ़ में विधानसभा इजलास में आरएलडी के बैनर तले भावी प्रत्याशी के रूप में क्षेत्र में काम कर रहे आरएलडी के दावेदार एकजुट नजर आ रहे हैं। टिकट न मिलने से बागी हुए आरएलडी के भावी प्रत्याशी अब एकजुट हो चुके हैं। उनके द्वारा टिकट के मुख्य दावेदार को हराने का आह्वान किया। विशेष मीटिंग के दौरान आरएलडी के पूर्व प्रत्याशी व आरएलडी के पूर्व विधायक के द्वारा मुख्य दावेदार को हराने के लिए बैठक का आयोजन किया गया जिसमें जमकर वीरपाल दिवाकर को हराने की बात कही। इसके बाद दावेदारों ने समर्थकों के साथ जमकर विरोध प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की। इस मौके पर उमेश दिवाकर, वीरेंद्र बघेल, संजय खान सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। संबंध रखते हुए वोट डालने हुए आदमी के हाथ पकड़ूंगा कि वोट डालो उसे। मैं इसको हरवाने के लिए मैंने प्रतिज्ञा दिया, चाणक्य की प्रतिज्ञा है मेरी, इसे हरवा के भेजूंगा यहाँ से। हमने 10 साल से मेहनत घर घर जाके एक एक चौकर को पूजा और चौधरी साहब के राष्ट्रीय लोकदल के वरिष्ठ नेताओं ने छल किया, हमारे बी फॉर्म को लेकर भाग गए। उसके बाद चौधरी साहब ने कहा कि इस बात को यही दबा कर रखो, पार्टी की बदनामी हो जाएगी, आप क्षेत्र में मेहनत करो, मैं आपको अगला मौका दूंगा, ये मेरा वादा है। आज वो अपने वादा से मुकर गए। ऐसे इंसान को टिकट दिया जो कभी किसी की चौखट पे नहीं गया, जिसके पास खुद की गाड़ी नहीं है, दूसरों की गाड़ियों में लेकर घूमता है, कभी किसी रैली में एक रुपया खर्च नहीं किया है। और लोग इससे, जनता बहुत दुखी बैठी है, जनता को बहुत बड़ी आस थी, हमारे साथ सिंपैथी थी, मुझे लगता था कि मैं जीत की तरह। आगामी विधानसभा चुनाव के सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क हो गई है। जिलाधिकारी महिपाल पाठक व थाना प्रभारी राजेश सिंह के नेतृत्व में समेत विभिन्न गांवों में पैरामिलिट्री फोर्स के साथ फ्लैग मार्च निकाला गया। इसके जरिए लोगों में सुरक्षा का एहसास कराया गया, साथ ही भयमुक्त होकर मतदान करने की अपील की गई। फ्लैग मार्च के बाद सीओ लालगंज महिपाल पाठक ने ठंड से बचने के लिए चौकीदारों को कंबल भी वितरित किए। ۲۰۲۲ के चुनाव को लेकर जिला आबकारी विभाग ने कमर कस ली है। अवैध शराब और शराब कारोबारियों के ऊपर ताबड़तोड़ दबिश डालकर अवैध शराब पर अंकुश लगा रही है, जिसके चलते आबकारी निरीक्षक महाराजगंज आनंद पाठक व आबकारी निरीक्षक संजीव सिंह ने अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में अवैध कच्ची शराब बनाने के घरों व आसपास खेतों पर दबिश दी। दबिश के दौरान लगभग 95 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की गई तथा लगभग 350 किलोग्राम महुआ लहसुन मौके पर नष्ट किया गया। खबर चंदौली से है, जहां बबुरी क्षेत्र के गौरी गांव में नाली सफाई न होने के कारण ग्रामीण परेशान है। नाले का गंदा पानी लगातार सड़कों पर बह रहा है, जिसका ग्रामीणों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने बताया कि शिकायत के बावजूद अभी तक समस्या से निजात नहीं मिल पाया है। पिछले 5 साल में गांव में नाले के निकास की समुचित व्यवस्था न होने के कारण जल जमाव से ग्रामीण परेशान है। दशा यह है कि बरसात के दिनों में यह घुटनों तक पानी लग जाता है, जिस
से होकर निकलना पड़ता है। खबर बुलंदशहर से है, जहां पुलिस ने अवैध तमंचा फैक्ट्री का खुलासा करते हुए 17 तमंचे और 6 अधबने तमंचे बरामद किए हैं, जिसमें पुलिस ने अवैध तमंचों का सौदागर भी गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि जंगल में ट्यूबवेल के खंडर कमरे में अवैध शस्त्र बनाने का गोरख धंधा चल रहा था। रात्रि में छतारी पुलिस को मुखबिर द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों की सूचना दी गई, जिस सूचना पर स्वाट टीम के भी 2 कर्मचारी मौके पर आ गए। ग्राम सालाबाद की ओर से जाने वाले बंबा पटरी पर एक बंद पड़ा हुआ ट्यूबवेल है, जिसकी कोठरी में कुछ व्यक्तियों द्वारा अवैध शस्त्र बनाने का कार्य किया जा रहा था। पुलिस की आहट से 2 अभियुक्त मोटरसाइकिल पर फरार हो गए, परंतु घेराबंदी कर एक मुख्य आरोपी जिसका नाम समून अली है, उसको गिरफ्तार किया गया। वह मूलतः जनपद मेरठ का निवासी है। पूछताछ के दौरान इसके द्वारा बताया गया कि जिस क्षेत्र में ज़्यादा डिमांड होती है, ये लोग उस क्षेत्र में जंगल में किसी सुनसान स्थान पर अवैध शस्त्र तैयार करने का कार्य करते हैं। अभियुक्त समून अली शारीरिक रूप से विकलांग है, जिससे उस पर किसी भी अवैध कार्य में लिप्त होने का कोई शक नहीं होता। इस सफल अभियान में छतारी पुलिस को मौके से भारी मात्रा में बने एवं अधबने तमंचे एवं अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण भारी मात्रा में बरामद हुए हैं, जिसमें 14 तमंचे, 315 बोर, 4 जिंदा कारतूस, 315 बोर, 3 तमंचे, 12 बोर, 1 जिंदा कारतूस, 12 बोर, 5 अधबने तमंचे, 315 बोर, 1 अधबना तमंचा, 12 बोर, 1 स्पेंडर प्लस मोटरसाइकिल भी मौके से बरामद हुई है। खबर बलरामपुर से है, जहां लूट की घटना को अंजाम देने वाले बदमाश मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि बलरामपुर के जुआ थाना बाजार में बदमाशों ने उनकी गाड़ी को ओवरटेक करके उनके पास सोने के चैन व नकदी लूट ली थी। साथ ही व्यापारी अर्जुन गुप्ता को लोहे की रॉड से मारकर घायल कर दिया था। वही चालक ने किसी तरह से भागकर अपनी जान बचाई और पुलिस को सूचना दी, जिसके आधार पर थाना कोतवाली नगर में मुकदमा दर्ज करके पुलिस छानबीन में जुट गई है, जिसके बाद 5 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से एक कार, नकदी तथा अन्य लूटे गए सामान को बरामद कर लिया गया है। अभियुक्तगण के कब्जे से उनकी कार में हमें अवैध असलहे भी बरामद हुए, जिसमें 3 तमंचा बरामद हुआ है, और पूछताछ में उन्होंने घटना कबूल की है, और अब इसके अलावा हम लोग न्यायिक कार्रवाई कर रहे हैं। बलरामपुर पुलिस को बहुत सहयोगी है, हमने सूचना जो दी वो हमारा काम इतना फास्ट किया है कि इतना फास्ट नहीं हो पाता। 1 घंटे 1.5 घंटे के अंदर मुजरिम पकड़ गए हैं। अलीगढ़ के थाना अकबराबाद क्षेत्र में नेशनल हाईवे का निर्माण के चलते गरीबों के मकान को तोड़ दिया गया। यहां गरीबों ने प्रशासनिक अधिकारियों से अपना आशियाना बचाने की मांग की तो उन्हें अन्य स्थान पर मकान बनाने का आश्वासन दिया, लेकिन सर्दी के चलते बंजारा समाज के लोग आशियाने के अभाव में दर दर भटक रहे हैं। इसी को लेकर उन्होंने प्रदर्शन कर आशियाना बनाने की मांग की। अकराबाद के रहने वाले हैं हम, हमारे पास हमारे डोकर की जगह थी, वो केस जीती हुई जगह थी, वो सरकार ले रही है, हमारी जगह जा रही है, हमारे पास जगह रहने को नहीं है, हमारे बच्चे बहुत परेशान हैं, हमारी मवेशी मर रही है, हमारे बच्चे जाड़े में मर रहे हैं ठीट के। ये सर सड़क में ये रोड में जा रहा है, मकान मकान दुकान सब चले गए, कुछ भी नहीं है, ईंट रखने के लिए भी जगह नहीं, रहने के लिए जगह नहीं है। हाँ सबको, डीएम को तो हमने दे दिया, एसडीएम को तो दे दिया, सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं, कोई कार्रवाई कर रहे हैं ना प्रधान जी कर रहे हैं। मिर्जापुर में पुलिस व आबकारी टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए सफलता हासिल की है। कार्रवाई के दौरान भारी मात्रा में अवैध शराब बनाने के सामान बरामद किया गया है। दरअसल आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अपराध व अपराधियों की रोकथाम के लिए अभियान चलाया जा रहा था, जिसके चलते पुलिस ने दबिश देकर भारी मात्रा में अवैध शराब और शराब बनाने का जखीरा बरामद किया है। वहीं इस पूरी कार्रवाई की जानकारी एसपी सिटी ने पत्रकार वार्ता के दौरान दी। हाँ, पुलिस अधीक्षक महोदय से मेरी वार्ता हुई है, उन्हें 10,000 रुपए का इनाम उसने उन्हें घोषित किया है,
और टीम ने चुनाव के समय में ये अच्छा काम किया है कि लगभग 450 लीटर इस तरह से इलिसिट लीकर बरामद किया है। निश्चित तौर से ये प्रशंसा की योग्य है। उत्तर प्रदेश सरकार में कानून मंत्री बृजेश पाठक ने प्राइम टीवी पर बात करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के सारे दावे 10 मार्च को फेल हो जाएंगे। वहीं जब उनसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर प्रत्याशित घोषित होने पर कहा कि वक्त आने पर पता चलेगा कि बीजेपी क्या है, समाजवादी पार्टी सपने में ही अपनी जीत के ख्वाब देख सजाए हैं। कैबिनेट मंत्री बृजेश पाठक जी मौजूद हैं। सर, योगी जी का टिकट जो है वो गोरखपुर से फाइनल हुआ है, तो अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि उन्हें पहले ही बीजेपी ने अखिलेश जी अपने बारे में विचार करें, अपनी पार्टी के बारे में विचार करें, किस प्रकार कुनबा जोड़ करके काम चला रहे हैं और चुनाव में जनता उन्हें बुरी तरह परास्त करेगी। वो ये कह रहे हैं कि मुझे डिजिटल रैली के बारे में नहीं पता था, कार्यकर्ता आ गए। वो चुनाव अपने कार्यकर्ताओं के भरोसे नहीं लड़ रहे हैं, वो उधार की ताकत चाहते हैं और आने वाले दिनों में देखेंगे बुरी तरह से फ्लॉप साबित होगा। आज दारा सिंह चौहान की ज्वाइनिंग हो गई, मतलब तो कह रहे चौहान समाज आज सब कोई मतलब नहीं निकलेगा, सब फेल है जी, पूरी सब फेल है, पूरी गणित उनकी अपने पास कुछ है ही नहीं। अच्छा ठीक है, धन्यवाद, हमसे बात करें। पूरी तरह से जान लीजिए भारतीय जनता पार्टी 325 से अधिक सीटें लेकर सरकार बनाने जा रही है। वो भी तो कह रहे हैं कि हम 400 जीत जाएंगे इस बार। अभी देखिएगा परिणाम सामने, नाउ ठाकुर बार आगे गिर रहे हैं, गिनो। ठीक है, धन्यवाद सर बात करने के लिए। तो ये बृजेश पाठक थे जिनका साफ तौर पर कहना है कि अखिलेश यादव के जितने भी दावे हैं वो सारे दावे फेल होने वाले हैं, 325 सीट एक बार फिर से बीजेपी जीतेगी और अखिलेश यादव कितनी भी कोशिश कर ले कुछ भी नहीं होना है समाजवादी पार्टी का। तो ये थी अब तक की कुछ खास खबरें, ऐसी और खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।